किलोमीटर दूर करीब 900 की आबादी वाले छोटे से गांव जूजाखेड़ी के 27 वर्षीय होनहार एवं प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रतीक नंदराम मुकाती का चयन पीएचडी हेतु अमेरिका की 5 लीडिंग यूनिवर्सिटियों में हुआ है। इस यूनिवर्सिटी में से एक वो शामिल है जिसमें अमेरिका के 5 पूर्व राष्ट्रपति भी पढ़ चुके हैं। अपनी पढ़ाई पूर्ण कर वे भारत में ही क्वांटम कम्युनिकेशन के क्षेत्र में नए अनुसंधान व शोध करना चाहते थे ताकि देश की सुरक्षा एवं तकनीक को भविष्य के लिए दृष्टिकोण से विकसित किया जा सके। प्रत्येक शुक्रवार को माता पिता के साथ उनके प्रेरणा स्रोत नानाजी बलराम यादव एवं मार्गदर्शक रहे धीरेन्द्र यादव का आशीर्वाद लेने बड़वा पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया कर्मियों से चर्चा में बताया कि IIT रोपड़ पंजाब से कंप्यूटर साइंस में शिक्षा पूर्ण कर मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर जॉब की। फिजिक्स विषय में अनुसंधान को लेकर गहरी रुचि के चलते उन्होंने जॉब छोड़ दी। इसके बाद कई राष्ट्रीय परीक्षाओं में टॉप 4 में स्थान प्राप्त करने के बाद भी 3 साल तक बेंगलोर के ख्यात ICTS कॉलेज में फिजिक्स के विभिन्न बिंदुओं के बारीकियों से अध्ययन किया। शोध कार्य को आगे बढ़ाने एवं फिजिक्स विषय में PhD के लिए उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्ययन के लिए पात्रता परीक्षा GRE दी। इसमें 100% अंक प्राप्त किए। शैक्षणिक काल एवं प्राप्त उपलब्धियों के समग्र आकलन के बाद उन्हें अमेरिका में येल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, पेन स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड एवं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में अपने शोध कार्य के लिए चयनित किया गया है, जहां उन्हें स्कॉलरशिप एवं वेतन भी मिलेगा। फिलहाल वे इन 5 में से कौन सी यूनिवर्सिटी में अध्ययन करें इसके लिए विचार कर रहे हैं, लेकिन उनकी पहली पसंद येल यूनिवर्सिटी है। आईवी लीग की यूनिवर्सिटी में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति भी अध्ययन कर चुके हैं। इस उपलब्धि पर पिता नंदराम, माता पुष्पाबाई, बहन अंजलि, मामी जी दीपिका यादव, ज्योति एवं दीपक सहित जूजाखेड़ी सरपंच पप्पू पटेल, ग्रामीण अमरदीप पटेल, गजराज पटेल एवं देवी राठौर सहित अन्य परिवारजनों एवं रिश्तेदारों एवं ग्रामीणों ने बधाई दी है। प्रतीक की प्रारंभिक शिक्षा जूजाखेड़ी में ही हुई। 3री से 10वीं तक सरस्वती शिशु मंदिर बड़वा एवं 11वीं एवं 12वीं खरगोन से की। वहीं वर्ष 2015 में नौकरी छोड़ने के बाद करीब 6 माह तक दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की तैयारी की। पढ़ाई करने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय स्तर की गेट और JEST जैसी एग्जाम में ऑल इंडिया प्रथम रैंक प्राप्त की। विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए आवश्यक GRI में उन्होंने 990 में से 990 अंक हासिल किए। है ना, तो आप इसमें तो आप कौन सी कर रहे हो? सर अभी मेरे मतलब 15 अप्रैल तक डिसाइड करना है, लेकिन मेरा प्रेफरेंस अभी येल है। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया, प्रेफरेंस मेरा येल है। हां तो मैरीलैंड वो अभी वेदांत होता था लो और तो स्पिरिचुअल जो भी मेरा हुआ है या फिर पढ़ाई किस तरह से करनी है, मतलब आप जो भी ये मेरे रैंक देख रहे हो ना, ये सर आप जो मेरे रैंक चाहिए ना, ये मैंने एक साल पहले एक पेपर में लिख दी। अच्छा अच्छा मेरी रैंक आने वाली है। प्रतीक भाई, प्रतीक भाई, हाँ ये